जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद हैं तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। भाइयों और बहनों, इनकी पोल खुल रही है तो ये गाली गलौज पर उतर आए हैं। नमस्कार, बोल के लब आजाद हैं तेरे। और अब से कुछ देर पहले मैं बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का समापन सत्र सुन रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से रूबरू हो रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे थे। देखिए, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास की दाद देना चाहूंगा। उन्होंने ये बात कही कि तीन राज्यों ने, आंध्र, पश्चिम बंगाल और अब छत्तीसगढ़ ने, अपने राज्यों में सीबीआई के प्रवेश पर रोक लगा दी। तो ये बताइए मित्रों, आखिर आपको डर क्या है? और जब प्रधानमंत्री ये बात कर रहे थे सीबीआई की, तो उनके माथे पर हल्का सा भी शिकन नहीं था। ये जानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि आपके कार्यकाल में सीबीआई में गैंग वॉर शुरू हो गया, आपके कार्यकाल में सीबीआई जो एक तोता था, वो उसके अंदर एक किस्म का सिविल वॉर शुरू हो गया, जिसमें नंबर वन बनाम नंबर टू, नतीजा यह हुआ कि आपको तख्ता पलट करना पड़ा। और जब सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को दोबारा बहाल कर दिया, तब सीवीसी की एक रिपोर्ट के आधार पर आपने सिलेक्ट कमेटी के जरिए उनका ट्रांसफर कर दिया। और जिस शख्स की निगरानी ने, सुप्रीम कोर्ट के जिस जज पटनायक की निगरानी में सीवीसी की रिपोर्ट बनी थी, वो खुद कह रहे हैं कि ये सीवीसी जिसके आधार पर आलोक वर्मा का ट्रांसफर किया गया है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सेलेक्ट कमिटी को इसको लेकर लताड़ भी लगाई कि आखिर आपने सीवीसी की रिपोर्ट के आधार पर आलोक वर्मा का ट्रांसफर क्यों किया। यह अप्रत्याशित है दोस्तों, यह अप्रत्याशित है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि सीबीआई को आपका क्या डर है, तो यह बात हजम किसी भी सूरत में नहीं होती। प्रधानमंत्री कहते हैं कि साहब, इस भाषण में उन्होंने कहा कि क्या तमाम संस्थाएं गलत हैं, सीवीसी भी गलत है, सीबीआई भी गलत है, पुलिस भी गलत है। यानी कि वो तंज मार रहे थे विपक्षी दलों पर। तो मैं कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री कि आपके कार्यकाल में इन तमाम संस्थाओं को जितना नुकसान पहुंचा है, इससे कभी नहीं पहले पहुंचा। मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि सीवीसी की इस पूरी हरकत के लिए किस कदर उसकी आलोचना हर तरफ हो रही है प्रधानमंत्री, और अब आप दुहाई दे रहे हैं इन संस्थानों की जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। आरबीआई की हालत देख लीजिए, चुनाव आयोग की हालत देख लीजिए। चुनाव आयोग भी पहले आपकी सहूलियत देखता है और उसके बाद चुनावों की तारीखों की घोषणा करता है। तो ये बातें अपने आप में बहुत अजीबोगरीब लगती हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपने कहा कि आपको मजबूत सरकार चाहिए या मजबूर सरकार चाहिए, और जाहिर सी बात है आपका निशाना गठबंधन की तरफ था। आपका निशाना था मायावती और अखिलेश के साथ आना, और आपका डर कि अब जबकि ये साथ आ गए हैं तो उत्तर प्रदेश में आपको नुकसान होगा। तो आप बार बार कह रहे थे कि आपको मजबूत सरकार चाहिए या मजबूर सरकार चाहिए। इस तथाकथित मजबूत सरकार के नेतृत्व में मैंने संस्थाओं की इज्जत उतरते देखा है प्रधानमंत्री। इस तथाकथित मजबूत सरकार यानी आपकी सरकार के अंतर्गत मोदी जी, मैंने देखा है कि मीडिया के पांव किस तरह थर थर कांपते हैं जब आपसे सवाल नहीं किया जाता, जब सीवीसी की फाइंडिंग्स को बड़े बड़े अखबार गलत ढंग से भी पेश करते हैं। यह फर्क आया है एक मजबूत सरकार में, जब मजबूत सरकार के आगे जो है मुद्दे बौने पड़ जाते हैं। इस भाषण में प्रधानमंत्री यह भी कहते हैं कि साहब, मेरे कार्यकाल में एक बार भी करप्शन नहीं हुआ। आप यह भी कहते हैं कि अब पोल खुल रही है, जब राजदार यानी कि आर्म्स डीलर क्रिश्चियन मिशेल जो हैं, वो भारत आ गया और अब इससे कई राज खुल जाएंगे। तो मेरा आपसे प्रश्न है प्रधानमंत्री, सवाल यहां पर ये कि अगर वाकई आपने करप्शन नहीं किया, तो मुझे ये बताने की कृपा करें
कि अनिल अंबानी पर इतनी कृपा क्यों दिखाई दे रही है? रफाल डील पर क्योंकि आलोक वर्मा सीबीआई के सेवानिवृत्त पूर्व ऑफिसर आलोक वर्मा तो इस पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना चाहते थे ना, मगर आपने एक निहायत ही गैर वाजिब ढंग से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। न सिर्फ उन्हें बाहर का रास्ता यहां पर दिखाया गया है दोस्तों, बल्कि मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस पर विपक्ष की मांग थी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच हो, वो भी आपने इनकार कर दिया। तो सवाल यह कि अगर करप्शन नहीं हुआ, अगर किसी तरह से आपने अपने मित्रों को फायदा नहीं पहुंचाया, तो आपको डर किस बात का है? जेपीसी का डर किस बात का है? आखिर आलोक वर्मा पर इस तरह से अंकुश क्यों डाला गया है? आप यह कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मजाक विपक्ष बना रहा है। प्रधानमंत्री, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सबसे ज्यादा मजाक अगर किसी ने उड़ाया है ना, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उड़ाया है, बार बार उड़ाया है। क्योंकि जब कठुआ में एक 8 साल की मासूम का गैंगरेप होता है, तो आपके मंत्री बलात्कार के आरोपियों के पक्ष में रैलियां निकालते हैं मोदी जी। जब कुलदीप सिंह सेंगर जैसा गैंगरेप का आरोपी सामने उभर कर आता है, तो जो रेप विक्टिम है उसे प्रताड़ित जो है किया जाता है। आज तक कुलदीप सिंह सेंगर वो आपके पार्टी से नहीं निकाला गया है। गुरमीत राम रहीम, बलात्कारी गुरमीत राम रहीम के सामने नतमस्तक हरियाणा के बीजेपी के मंत्री होते हैं, और जब उस आदमी को अदालत सजा सुनाती है, तो आपके ही सांसद साक्षी महाराज क्या कहते हैं? साक्षी महाराज कहते हैं कि उन दो बलात्कार की पीड़ित महिलाओं की बात पर विश्वास करें या एक ऐसी स्वामी के बात का विश्वास करें जिसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। यह तर्क आपके अपने सांसद, आपके अपने, जिसे कहते हैं ना, आपके अपने पॉलिसी मेकर्स दे रहे हैं, तो यह अपने आप में बहुत अजीबोगरीब बात लगती है। दरअसल दो और घटनाएं हुई हैं समानांतर तौर पर। अखिलेश यादव और मायावती एक साथ आए हैं, महागठबंधन उन्होंने बनाया है, 38 सीटों पर दोनों चुनाव लड़ेंगे। एक इतिहास रहा है, लखनऊ गैस कांड को सब याद करते हैं, मगर मायावती ने मेरे ख्याल से उस सवाल को ही निरस्त कर दिया जब उन्होंने अपने शुरुआती संबोधन में उसका जिक्र कर दिया। अब देश व जनहित को उन कारणों में से खासकर 2 जून 1995 के घटित हुए लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से भी ऊपर रखते हुए आपस में चुनावी समझौता करने का फैसला लिया है। और अब इस गठबंधन को लेकर भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है। जी हां, आपने इस गठबंधन पर भी सवाल उठाया है। आपने कहा है कि एक व्यक्ति के खिलाफ यह गठबंधन हो रहा है। आपने ये कहा कि ये तमाम जो पार्टियां थी वो कांग्रेस विरोध में जो है अस्तित्व में आई थी, और अब ये देखिए कांग्रेस के सामने हाथ जोड़ रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अखिलेश और मायावती ने बहुत दिलचस्प चाल चली है अपने इस गठबंधन में कांग्रेस को जगह ना देके, तो आपका यह तर्क किसी भी सूरत में मायने नहीं रखता है। और सवाल ये नहीं है मोदी जी, जब भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान की सियासत खेलती है, 80% हिंदू और बाकी 20% माइनॉरिटीज, जब आप हिंदू और मुसलमान की सियासत खेलते हैं, क्योंकि आपके हर कदम में आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का जिक्र किया, जिसके अंदर प्रावधान यह है कि जो गैर मुसलमान हैं दूसरे देशों में बसे हुए, वो भारत में आके सिटीजनशिप ले सकते हैं, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं आपकी सोच जो है वो हिंदू मुसलमान की ही थी। आप अपने पिच में हिंदू मुसलमान का ही खेल खेल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी इस हिंदू मुसलमान सोच के काट में उतरना पड़ेगा, और उसके जवाब में सियासी तौर पर अगर हम उसका जवाब ढूंढें, तो इसके जवाब में जातीय समीकरण साफ तौर पर उभर कर आएंगे। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के आपके भाषण में भी अयोध्या को लेकर रुदाली देखी मैंने कि कांग्रेस के नेता रोक रहे हैं। अरे भाई, आपने 10% आरक्षण जो है 48 घंटे में आप संविधान संशोधन बिल लेकर आए, आपने सब कुछ बदल दिया। आपने 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया आलोक वर्मा को, आपने 24 घंटे के अंदर उनका फिर तबादला कर दिया। तो आपको अयोध्या में इतना वक्त क्यों लग रहा है? अयोध्या में इतना वक्त क्यों लग रहा है आपको? ये सारे मिलकर
अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए हैं। वो नहीं चाहते कि देश में मजबूत सरकार बने और उनकी दुकान फिर बंद हो जाए। मेरा आपको एक मशवरा है प्रधानमंत्री जी, कि जिम्मेदारी लीजिए, मजबूत बनिए। इस तरह से हर चीज पर लोगों पर उसका दोष मढ़ना जो है ना, वो एक कमजोरी के निशानात हैं। ये मजबूर सरकार है, ये मजबूत सरकार नहीं है, क्योंकि आपकी मजबूती जो है वो साफ तौर पर दिखाई देती है संस्थानों को बर्बाद करने के जरिए, मीडिया पर दबाव डालने के जरिए। क्योंकि दिक्कत यहां पर उभर कर आती है कि आपके प्रोपेगेंडा को तो मीडिया साफ तौर पर जगह देता है, मगर जब विपक्ष की बात आती है तो पूरी तरह से खामोशी छा जाती है। और इसकी मिसाल यह है कि कल राहुल गांधी जो हैं वो दुबई में थे, उनके भाषण को इक्का दुक्का चैनल ने लाइव दिखाया होगा, जबकि उनका भाषण एक बहुत बड़े स्टेडियम में हुआ, मगर अमित शाह का भाषण उसे सबने लाइव दिखाया। वो अमित शाह जो ये कह रहे थे कि 2019 का चुनाव एक युद्ध है, 2019 के चुनाव बिल्कुल पानीपत की लड़ाई की तरह है, और अगर जिस तरह से मराठा उस वक्त हार गए थे, अगर हार गए तो हमें गुलामी का सामना करना पड़ेगा। गुलामी तो हम देख रहे हैं ना अमित जी, गुलामी चुनाव आयोग की, गुलामी सीबीआई की, गुलामी सीवीसी की, गुलामी मीडिया की, वॉच डॉग, इस देश का वॉच डॉग, उसकी गुलामी हम देख रहे हैं। तो अमित जी, किसकी जीत से गुलामी बढ़ेगी यह तो जनता को तय करना है कि नहीं? तो एक तरह से कहा जाता है कि सियासत अपने चरम पर है, मुद्दों से बचने की कोशिश की जा रही है। और मुझे सबसे अजीब बात लगी कि महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि इनमें राजनीतिक विचार के तौर पर कोई समानता नहीं है। तो शिवसेना और आप में तो थी ना राजनीतिक समानता, क्या हुआ मोदी जी? आज उद्धव ठाकरे कह रहे हैं चौकीदार ही चोर है, तो कहां गई राजनीतिक समानता? यही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा आपके साथ ही आपके साथ नहीं है, अकाली दल में एक असहजता दिखाई दे रही है। तो कृपया राजनीतिक विचारधारा, उसकी समानता की बात ना करें, क्योंकि जब आपको राजनीतिक फायदा दिखाई दिया तब आप पीडीपी के साथ आपने जाकर हाथ मिला लिया था, मगर फिर जब आपको दिखा कि उसका राजनीतिक फायदा खत्म हो गया और जब आपको राष्ट्रीय स्तर पर उसका नुकसान हो सकता था, तो आपने उन्हें एक तरह से गिरा दिया और आपने वो गठबंधन जो है तोड़ दिया। तो कृपया आपके मुंह से कम राजनीतिक विचारधारा और उसकी समानता की बात शोभा नहीं देती। तो बोल के लब आजाद है तेरे में ये थी आज की राजनीतिक घटनाक्रम पर मेरी समीक्षा। आपके सामने मैंने समीक्षा की प्रधानमंत्री के भाषण की, और आने वाले वक्त जो है बहुत दिलचस्प होने वाला है। मगर जब अमित शाह ये कह दें कि 2019 का चुनाव युद्ध होगा, तो काफी हद तक दोस्तों मुझे चिंता होती है कि इस वक्त राजनीतिक स्तर जो है, संवाद का स्तर, वो न जाने किस हद तक जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, और बोल क्लब आजाद है तेरे को लाइक और शेयर करें, और न्यूज क्लिक के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।